कैसे हो नाइन्थ क्लास? अच्छे हैं ना सब? अपना चैप्टर चल रहा है केदारनाथ अग्रवाल का, चंद्र गहना से लौटती बेल। दो तीन वीडियो इसके अपलोड हो गए हैं। मैं समझती हूँ कि सबने वो वीडियोस देखे हैं और चैप्टर का अर्थ भी किया है, ये मैं समझती हूँ ना। अब आप लोगों ने कितना किया है ये आप ही जान सकते हो, और नहीं कर रहे हो ना तो समस्या है बेटा। अभी इतना टाइम है अपने पास तो भी अपन काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो अपन बेउम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जब एक साथ बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, तो सारे सब्जेक्ट का एक साथ काम करना, बकाया काम करना, इससे अच्छा है कि जो बोला जा रहा है ना, जो बताया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, उस थोड़े थोड़े को आप क्या है पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। जल्दी आप स्कूल में आने वाले हो, बहुत अच्छी बात है बेटा। आज अपना ये जो चैप्टर है चंद्र गहना से लौटती बेल क्या है, पूरा होने वाला है। जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही है। एक चीज मैं ये बता दूं कि अपने जो कवि है, कौन है अपने कवि बताओ, बोल तो नहीं रहे हो, देखना ही है। केदारनाथ अग्रवाल है, ये प्रकृति प्रेमी कवि है, और साधारण चीज में भी ये क्या है, बहुत बड़ी बात क्या है देख लेते हैं, उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना सुंदर तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अपने कवि की जो कल्पना है वो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य को क्या है कि कवि की जो कल्पना है वो साधारण। ये चीज मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि साधारण चीजों में वो असाधारण सौंदर्य कैसे देखते हैं, पता है ना कि हम कैसे देख रहे हैं। फिर चैप्टर पढ़ रहे हो तो पता है, वरना नहीं पता है। साधारण चीजों में भी छोटी सी छोटी चीजें, जैसे कि उदाहरण के रूप में चने का पौधा है, अलसी का पौधा है, सरसों का है, देखा ना सौंदर्य को। देखते हैं, है ना, ऐसा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पंक्ति पढ़ोगे ना कि कवि की जो कल्पना है वो साधारण चीजों में भी ऐसा अपने सौंदर्य को देखते हैं, या देखती है कवि की जो कल्पना है वो इसलिए कि वो सामान्य तौर पर कोई ग्रामीण है, परिवेश चंद्र गहना नाम का स्थान वहां खड़े हैं, खेत की मेड़ पर खड़े होकर खेतों के नजारे को देखते हैं, लहला की फसलों को देखते हैं, और उन फसलों को देखते देखते उन्होंने इतनी सुंदर रचना करती है कि प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं, उसका मानवीकरण किया है ना। चने के पौधे को एक दूल्हे के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, अलसी जो हथेली है एक सुंदर युवती है, सरसों का पौधा एक कन्या के रूप में क्या है प्रस्तुत किया गया है, फिर इन्होंने पोखर का सुंदर वर्णन किया है, इसके साथ साथ क्या किया है ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में अंतर बताया है कि मैं तो इस शहर की आबो हवा से परेशान हो गया हूँ और अब यहाँ ही रहना चाहता हूँ, यहाँ मेरा चित्त प्रसन्न रहता है, मेरा मन शांत रहता है, मुझे शुद्ध और स्वच्छ वातावरण का क्या है अनुभव होता है, ऐसे में मुझे ग्रामीण परिवेश क्या है अच्छा लगता है। दूसरा जो प्रेम की भावनाएं हैं, आपसी भाईचारे की भावना है, वो भी यहाँ क्या है बहुत अच्छी है। ऐसे करके अपन चैप्टर क्या है ये पढ़ रहे थे, ध्यान आया ना सबको। आगे का अपन चैप्टर बताते हैं, कल जैसे अपन यहाँ से ये पढ़ा था, फिर आगे ये देखा था कि भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई, ट्रेन का टाइम नहीं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं, स्वच्छंद हूँ क्या है स्वतंत्र हूँ, बात आ रही है ना ध्यान में। तो क्या बताया गया है कि एक तरफ क्या है खेत है, खेत के पास और क्या है बेटा, क्या है बताओ, पोखर का वर्णन, तालाब का वर्णन, देखा ना सुंदर
पर है, जो क्या है उसमें लहरें आती है, घास उगी हुई है, इसके साथ साथ पशु पक्षियों के आहार की भी व्यवस्था है उसमें, है कि नहीं, है ना। उनके पास ही ऊंची भूमि है और वहां पर क्या है, रेल की पटरी बनाई गई है, रेलवे लाइन क्या है बनाई गई है। उस रेलवे लाइन से रेल की पटरी पर रेल दौड़ जाती है, लेकिन जिस समय का कवि वर्णन कर रहे हैं उस समय रेल का टाइम कोई निश्चित नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि 4 बजे आएगी 5 बजे आएगी, ऐसा कोई अनुभव नहीं था, ऐसा नहीं था। इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ रेल की पटरी तो है लेकिन ट्रेन का टाइम क्या है निश्चित नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है उसकी कब आएगी। वैसे ही मेरा भी कोई लक्ष्य नहीं है, मैं भी स्वतंत्र हूँ कि मुझे अभी जाना है, आज ही जाना है, कहाँ जाना है, तो मैं भी कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ के दृश्यों का आनंद लेना चाहता हूँ। फिर क्या कहते हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है बांज भूमि पर। बांज भूमि का मतलब क्या हो गया है, उपजाऊ भूमि नहीं है, पथरीली भूमि है। बात आ रही है के ध्यान में कि इसके साथ ही जो चित्रकूट की पहाड़ियाँ उसके बांति ही मैं दूर दिशा में देखता हूँ तो यहाँ भी ऊंची ऊंची क्या है पहाड़ियाँ है, और वहाँ उन पहाड़ियों पर क्या है कोई पेड़ पौधा नहीं है, चारों तरफ मुझे पत्थर ही पत्थर क्या है दूर दिशाओं दूर की दिशाओं तक फैले हुए दिखाई देते हैं। बात आई ना ध्यान में, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, है ना, कि इन पहाड़ियों पर क्या है, रीवा के जो पेड़ हैं वो जरूर खड़े हैं, कांटेदार है, कुरूप है, सुंदर नहीं है भाई, हरियाली नहीं है चारों तरफ, अपवाद रूप में इन पत्थरों के ऊपर सिर्फ क्या है कांटेदार पहाड़िए रीवा के पौधे ही खड़े हैं। बात आ रही है ना ध्यान में, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर, सुगे किसके लिए आया है तोते का, विश्राम वातावरण तो है, यह पहले खेतों का वर्णन कर लिया, तालाब का कर लिया, इसके बाद ये कहते हैं कि ये जो पहाड़ियाँ फैली है चारों तरफ ये दूर दिशाओं तक मुझे पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं, इनके ऊपर क्या है रीवा के पौधे पेड़ तो लगे हुए हैं, इसके साथ ही इस शांत वातावरण में मुझे तोते का मीठा मीठी वाणी क्या है टेंटें की वाणी सुनाई देती है, वनस्थली का हृदय चीरता, वनस्थली वहाँ की जो वनस्थली वहाँ का जो स्थान है उसकी बात कर रहे हैं कि वनस्थली क्या लिखा है, वनस्थली का हृदय चीरता, वनस्थली की शांति को भंग करना, हृदय चीरने का मतलब क्या बताया है कि वनस्थली की शांति को भंग करना, कि वहां चारों तरफ शांत वातावरण छाया हुआ है और सिर्फ तोते का स्वर क्या है मीठी वाणी के रूप में मुझे सुनाई दे रहा है, और पूरे जो पहाड़ है वो वनस्थली है उसको चीरता हुआ, उस शांति को चीरता हुआ मुझे क्या है वो सुनाई दे रहा है। आया ना इतना ध्यान में, आया कि नहीं आया बोलो। आगे देखो, उड़ता गिरता सारस का स्वर टीटो टीटो मन होता है, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। एक तरफ तुमको क्या सुनाई दिया बताओ, क्या सुनाई दिया तोते की मीठी वाणी, अब क्या सुनाई दे रही है सारस का स्वर उड़ता गिरता, फिर रुक रुक के उनको क्या है सारस की वाणी या सारस का जो स्वर है बोलने की वो क्या है सुनाई, टीटो टीटो इसमें ये वाणी का क्या है आवृत्ति करके आपको बताया गया है कि मुझे सारस की क्या है वाणी सुनाई देती है, और उसको सुनकर मेरा भी मन क्या करता है देखो, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, कि जिस प्रकार सारस अपने सहेली के साथ, सारस क्या है जोड़े के साथ रहता है और वो जोड़े के साथ उड़ता है, तो मैं भी उनके साथ क्या करना चाहता हूँ, उड़ जाना चाहता हूँ, अपने पंख
पंखों को फैलाकर जहां जुगल जोड़ी रहती है। जुगल जोड़ी क्या हो गया? युगल या सारस की जोड़ी है ना। कहां हम जाना चाहते हैं अपने कवि भाई? ग्रामीण परिवेश इतना मन भा गया है कि वो शहर की तरफ तो पलायन करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको प्रकृति से इतना लगाव हो गया है। स्वच्छ और शांत जो वातावरण है उनका, भाई इस वातावरण ने उनका मन क्या है, मोह लिया है। तो ये भी इनके युगल जोड़ी के साथ क्या है, उड़ जाना चाहते हैं हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपे चुपे, मतलब चुपके चुपके। ठीक है ना। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो सारस की जोड़ी है वो उड़कर हरे खेतों में आहार लेने जाती है, तो मैं भी इनके साथ चुपके से उतर जाना चाहता हूँ। इनकी जो प्रेम कहानी है वो क्या है, पीछे से सुनना चाहता हूँ। अर्थात कहने का मतलब यही है कि अपने जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल, वो शहरी वातावरण से ऊब गए हैं, उन्हें प्रकृति से इतना प्रेम है, और ग्रामीण जो परिवेश है, गांव का जो वातावरण देखा है, लहलाते खेत देखे हैं, उनमें इनका मन इतना भर गया है, ये इतना अच्छा लगता है कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं। कि शहरों में ना तो आपसी भाईचारे की भावना है, वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भले ही मेरे को मिल जाएगी, लेकिन गांव जैसा सुंदर वातावरण क्या है, नहीं मिलेगा। बात आ रही है ध्यान में, ना स्वच्छ जल मिलना है और ना स्वच्छ हवा मिलनी है, इसीलिए मैं तो क्या है यहाँ रहना चाहता हूँ। तभी तो कहा है कि शहरों की बजाय ग्राम की भूमि, प्रेम भूमि क्या है, उपजाऊ है। एक तो उपजाऊ भूमि वहाँ होगी जहाँ फसल होती है, दूसरे यहाँ प्रेम की उपजाऊ भूमि, अर्थात आपस में जो स्नेह की भावनाएं हैं, प्रेम की भावनाएं हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये जो अपना चित्र पूरा हुआ है, एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ इसमें स्टार्टिंग से क्या बात आई है। अपने जो कवि है कहाँ खड़े हैं, खेत की मेट पर खड़े हैं। स्थान कौन सा है, चंद्र गहना नाम का है ना, रट गया होगा आप तो। वहाँ खड़े होकर खेत की लहलाती फसलों को देखते हैं, जिसमें चने के पौधे को देख रहे, इनके मन में ऐसे विचार आते हैं, क्या लिखा है कि साधारण चीजों को में भी असाधारण सौंदर्य क्या है, देखते हैं, देखते रहे इनकी अपनी कल्पना में। तो एक छोटा सा पौधा है इसका, चने का, और उसके ऊपर क्या है, गुलाबी रंग का पुष्प खिला हुआ है। तो इन्होंने क्या है उसके सौंदर्य को कैसे बढ़ाया, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सुंदर सा दूल्हा गुलाबी रंग की पगड़ी पहनकर क्या है, खड़ा है। आईना बात ध्यान में। फिर अलसी के पौधे की बात करते हैं कि अलसी बड़ी लकीली है। अलसी का जो तना होता है बड़ा ही नाजुक और पतला होता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो बड़ी हटीली है। जिस तरफ हवा का वेग रहता है अलसी का पौधा उधर ही झुक जाता है, लेकिन उसी क्षण वो वापस के अपनी स्थिति में आकर खड़ा हो जाता है। सरसों की बात करते थे, कन्या के रूप में बताया गया है कि सरसों जब परिपक्व अवस्था में आ गया है, सरसों की पौध पकने लगी है, तो कहते हैं कि ये तो समझदार होगी, अर्थात एक कन्या का रूप दिया है। कि जिस प्रकार कन्या क्या है परिपक्व स्थिति में आ जाती है, समझदार हो जाती है, तो उसके हाथ पीले किए जाते हैं, उसका विवाह करवाया जाता है। तो सरसों की जो पूरा खेत पीला हो रखा है, तो उसको ये कहा है कि पूरे खेत में क्या लग रहा है, स्वयंवर हो रहा है। फिर सुंदर पोखर का वर्णन किया, रेलगाड़ी की जो पटरी है उसका वर्णन किया है, और ग्रामीण परिवेश शहरी परिवेश है उसमें अपन को अंतर बताया है, और अंत में पूरे वातावरण में शांति छाई हुई है, लेकिन उसी शांति को चीरते हुए एक मधुर वाणी तोते की सुनाई देती है और सारस की सुनाई देती है। तो इनका भी मन करता है कि सारस के जोड़े के साथ मैं भी उड़कर जाना चाहता हूँ, और इनकी प्रेम कहानी को चुप चुप के क्या है, सुनना चाहता हूँ। आई ना बात ध्यान में। तो नाइन्थ क्लास, ये जो अपना चैप्टर था केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र गहना से लौटती बेर, आज पूरा हो गया है। सर्वप्रथम अपन केदारनाथ अग्रवाल का पूरा परिचय करेंगे, और उसके बाद में क्या है, एक एक पंक्ति का शब्दार्थ के साथ चैप्टर का अर्थ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।